कॉन्फ्रेंस यहाँ मनाना चाहते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंस। तो मैंने ये खुशकिस्मती समझी कि मुझे भी बुलाया जा रहा है यहाँ पे। दो कि मैं बहुत ज़्यादा उर्दू की बहुत बड़ी तालिबे इल्म नहीं रही हूँ, लेकिन उर्दू क्योंकि पढ़ी है, 10th 12th तक पढ़ी है, और उसके बाद स्पेशल क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा एक रगबत थी उर्दू की जानिब, तो मैंने इसका एक स्पेशल डिप्लोमा भी किया उर्दू का, और काफ़ी ऐसी किताबें पढ़ी जिसमें मुझे पता चला कि उर्दू जो है वो एक बहुत ही एक ऐसी ज़बान है जिससे मुझे लगता है कि जो आज आपका टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसमें इसका एक कलीदी रोल रहा है। और मुझे लगता है कि जो उर्दू की मैंने एक जो बुक पढ़ी थी उर्दू ज़बान की लिसानी तश्कील, उसमें मैंने ये समझा कि किस तरीके से जब ये ज़बान सामने आई और हमारी जो प्रेजेंट जो लैंग्वेजेस थी उस वक्त, चाहे वो हमारी संस्कृत लैंग्वेज हो या जो पुरानी इंडिया में यूज़ होती हुई लैंग्वेजेस हैं, उसमें किस तरीके से अरबी के अनासर या और ज़बानों के अनासर शामिल हुए, तो एक जो एक इसका जो नई शक्ल पेश सामने आई उसमें जो उर्दू का एक स्पेशल रोल रहा है वो ये है कि वो हमेशा एसिमिलेट करना जानती है। मतलब कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी अच्छे अल्फाज, कोई भी नए अल्फाज, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हों, चाहे वो अंग्रेज़ी के हों, अरबी के हों या संस्कृत के हों, तो उसने अपने अंदर समा लिया है। मुझे लगता है कि अगर हमारी जो कंट्री की बात की जाए, हमारी अपनी देश की बात की जाए, तो उर्दू एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको बांधे रखती है। आज आप कहीं पर भी जाएँ तो उर्दू ज़बान को समझने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, चाहे वो बाकी ज़बानें समझें या नहीं समझें, लेकिन उर्दू ज़बान को मुझे लगता है कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत अच्छे से समझा जाता है, और चाहे आपको उसकी स्क्रिप्ट लिखनी आती हो या नहीं आती हो, लेकिन आप जब आप उसको बोलते हैं तो एक इतनी आसानी से आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी तरगीब देने में जो उर्दू काउंसिल का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसकी तरगीब देनी चाहिए, नहीं सिर्फ कॉलेजों में नहीं, स्कूलों में नहीं, बल्कि आम जो आपकी काउंसिल्स होनी चाहिए उसमें आम लोग जो शायद स्कूलों कॉलेजों से बाहर हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। आज जो आपकी मेन टॉपिक था कि उर्दू जो है वो किस तरीके से यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैं उस पर थोड़ा बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मैं समझती हूँ कि मुझे ये समझने में कि हमारा जो है सोशियोलॉजिकली हम किस तरह से इवॉल्व हुए हैं उसको समझने में उर्दू ने काफ़ी रोल प्ले किया। किस तरीके से हम लोग जो हैं आपस में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, वो बैठकर आपस में बातचीत कर सकता है, आपस में कोई भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता है, तो मुझे लगता है उसमें उर्दू का बहुत बड़ा रोल है। और जो हम बच्चों को भी अगर हम पढ़ाएं उर्दू, तो एक बहुत आसान ज़बान है। मैं ये भी समझती हूँ कि एक बहुत ही आसान ज़बान है उर्दू। अगर आप इसके अल्फ़ाबेट समझ लें तो शायद कुछ तकलीफ़ हमें इसकी स्पेलिंग्स में होती है, क्योंकि हम सूती आवाज़ें बहुत सारी हैं, तो काफ़ी बार स्पेलिंग्स काफ़ी मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन एक बार आप इफ़ यू गेट दैट हैंग, तो उसको समझना, उसको पढ़ना बहुत आसान है। और मैं समझती हूँ, मैं चाहती भी हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो उर्दू को ज़रूर समझें, उसको पढ़ें।